तो हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टेक्निकल एम के में आपका फिर से स्वागत करता हूं गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो है कि ट्रू कॉलर में अपना प्रोफाइल फ़ोटो किस तरीके से चेंज करते हैं गाइस। जी हां, अगर आप भी ट्रू कॉलर यूज़र हो और आप जानना चाहते हो कि ट्रू कॉलर प्रोफाइल में फ़ोटो किस तरीके से चेंज किया जाता है गाइस, तो गाइस आज की वीडियो इसी बेस पर बनाई हुई है गाइस। तो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने लेते हैं पहले, सबसे पहले आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ट्रू कॉलर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इंटरफेस आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा गाइस। आपको क्या करना, आप लोगों को यहाँ पे देख मिला है लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे प्रोफाइल मिलेगी, इस पे आपको क्लिक कर लेना है नीचे। और मिलने के बाद गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा गाइस। तो गाइस आप लोग क्या करना, इस फोटो को आप चेंज करना चाहते हो तो पेंसिल आइकन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हो टाल्क ए फोटो। तो अगर आपको सेल्फी से फोटो करना चाहते हो, सेल्फी से इस फोटो को सेट करना चाहते हो तो कैमरे आइकन पे क्लिक कर लेना गाइस। और आपको कोई भी गैलरी में फोटो पड़ा हुआ है और फोटो सेट करना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके यहाँ पे अलाउ करके और यहाँ पे गैलरी में कोई भी अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेना गाइस। जैसे कि मैं यहाँ पे चले जाते हैं इमेज में आ चुका है। तो गाइस जैसे कि मैं इमेज में आ चुका हूँ गाइस, उसके बाद गाइस यहाँ पे जो भी आपके फोटो फोल्डर में पड़े हुए उसको चूज कर लेना गाइस। जैसे कि मेरे यहाँ पे कैमरे में पड़े हुए फोटो, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया गाइस यहाँ से। तो गाइस यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई फोटो मेरे पड़े हुए हैं गाइस। मैं यहाँ से मैं फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। चलिए गाइस यहाँ से फोटो को मैं एक ले लेता हूँ यहाँ से फोटो को मैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये वाला फोटो ले लिया गाइस, देख सकते हो मैं ये वाला मैंने फोटो को ले लिया गाइस, ये वाला। ठीक है गाइस, मैंने इस तरीके इस पर टिक कर लिया गाइस, ये वाला मैंने फोटो को ले लिया, ये वाला इसमें मैंने टिक कर लिया है। टिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऑल गैलरी। तो गाइस यहाँ पे देख लो फोटोज। तो गाइस आपको यहाँ पे ऑल गैलरी करना चाहते हो ऑल गैलरी भी कर सकते हो, आपको फोटोज पे करना फोटोज पे क्लिक कर सकते हो गाइस। तो गाइस यहाँ पे अभी थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लेगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा गाइस। यहाँ पे देख सकते हो इसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो जाने दो गाइस। उसके बाद आप लोगों यहाँ पे देख सकते हो मेरा फोटो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसको सेट कर लिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो सेव कॉपीज, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पे इसको कॉपी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अभी चेंज हो जाएगा गाइस, देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो चुका है गाइस, है ना गाइस। तो गाइस आप लोग इस तरीके से फोटो को अपने प्रोफाइल में चेंज कर सकते हो गाइस। देख सकते हो गाइस यहाँ पे फोटो मेरा चेंज हो चुका है गाइस। तो गाइस आप लोग इस तरीके से कर सकते हो गाइस, है ना गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन में अपनी प्रोफाइल में फोटो को चेंज करने में कोई दिक्कत परेशानी मालूम पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक टेक्निकल एमके में। वाई